अब्बा जी हमसे गलती हो गई है, हम आपसे माफी चाहते हैं। अब्बा जी घर चले आए। कबीर। हाँ जी बाबा। इधर आ। लगाए हो पानी? हाँ जी लगाया हूँ। कितना पानी लगाया? एक एकड़ पिला आया हूँ। सुबह से तू पानी लगाने के गया, अभी एक एकड़ पिला के आया? हाँ तो जितना पानी था उतना लगा आया हूँ। तब सुबह से शाम तक काम करो और शाम को वापस आओ और इसकी बातें सुनो, करते हैं इसका कोई बंदोबस्त। हाँ बाबा जी बुलाया था आपने। इतनी देर से तो तुम्हें बुला रहा हूँ। बाप तुम्हारा बीमार पड़ा हुआ है, कोई बंदा पैर दबा देता है, कोई आके हाथ दबा देता है, शर्म ही नहीं आती तुम लोगों को? बाबा जी मैं दोस्तों का शहर जा रहा हूँ, वापस आके देखूंगा। दफा हो यहाँ से। बाबा रे ये बा इधर आ। तीन दिन हो गए तुझे बोला मेरी दवाई ले क्या, ऐसा कोई तुम हरामखोर बना हुआ है, अभी तक मेरी दवाई नहीं आई। ले आता हूँ ले आता हूँ। दफा हो जा जल्दी ले क्या। ठीक है हरामखोर। क्या हाल है फरहान भाई? ठीक हो? क्या हाल बाबर? यार बात यह है कि सुबह से लेकर शाम तक काम करो, थके हुए घर आओ और आगे आके बाबा जी की बातें सुनो। जी मैं भाई इससे बहुत ज्यादा तंग आ गया हूँ। वाकई यार बहुत जलील किया हुआ है, इसका कोई बंदोबस्त करो आप। हाँ सही कह रहे हैं अब्बा ने, हद से ज्यादा तंग किया, इसके बारे सोचो कुछ। यार आप ठहरो मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है जो हमने अपने वालिद के साथ बुढ़ापे में जुल्म किया था ना, तो आज हमारे साथ भी वैसा ही जुल्म होगा। बाबा जी क्या हाल है? हाँ भाई आ जाओ आपको हॉस्पिटल लेके चलते हैं, इलाज करवाते हैं आपका। आ जाए बिस्मिल्लाह करें। बाबा जी हॉस्पिटल। चलो भी उठाओ भी उठाओ इसे उठाओ। क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। ओए बगैर तो क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा बाप हूँ। बस अब्बा जी आपका चैप्टर क्लोज। हम अब आप जिंदगी से बड़े तंग आ गए थे, हमने कहा आपको जिंदगी से जान छुड़वाते हैं और आपको सुकून की गोली देते हैं। रुको मेरी एक आखिरी बात सुनो। हाँ जी देखो मैंने भी जवानी में ये गलती की। मैंने देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैंने और मेरे भाइयों ने हमने बुढ़ापे में अपने बाप को ऐसे नहर में फेंका था, तो मैं ये चाहता हूँ कि अब तुम ऐसा काम ना करो कि कल को तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ ये काम करे। बाकी बेटा तुम्हारी मर्जी है। अब्बा जी हमसे गलती हो गई है, हम आपसे माफी चाहते हैं। अब्बा जी घर चले आए।